भगोड़िया के बाहुबली नेता माने जाते वैसे मधु श्रीवास्तव का इस टर्म में भाजपा द्वारा पत्ता काटने के साथ अश्विन पटेल के नाम की घोषणा की गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं नाराज बने वैसे मधु श्रीवास्तव ने इस बार अगर चुनाव लड़ेंगे तो अपक्ष के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर फैसला लेने के बाद नई राजनीति तय की जाएगी, वैसी बात कही गई। गुजरात विधानसभा बैठक के पूर्व भाजपा द्वारा आज अपने 10 बैठकों में से 8 जीतने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। ऐसे में बहुचर्चित बनी वैसी वाघोड़िया बैठक के लिए भाजपा द्वारा इस टर्म में मधु श्रीवास्तव का पत्ता काटकर अश्विन पटेल को टिकट देने के साथ अपना नया उम्मीदवार घोषित किया गया है। चुनावी जंग में अश्विन पटेल के नाम की घोषणा करने के साथ अब मधु श्रीवास्तव द्वारा आने वाले वक्त में अपक्ष के तौर पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, वो भी प्रबल अटकलों ने जोर पकड़ते हुए राजकीय माहौल में फिलहाल हड़कंप छाया है। वाघोड़िया के बाहुबली नेता माने जाते वैसे मधु श्रीवास्तव कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज बने हो वैसे अगर चुनाव भी लड़ेंगे तो अपक्ष के तौर पर लड़ेंगे और बाद भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे, वैसी बात कही गई। जहां उनके द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर फैसला लेने के बाद नई राजनीति तय की जाएगी, वैसी बात कहने के साथ कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज बने वैसे वाघोड़िया के विधायक मधु श्रीवास्तव द्वारा अपनी रणनीति को तय करने के लिए प्रतिक्रिया दी गई थी, जहां उनका कहना था कि भाजपा द्वारा लिया गया फैसला उनके लिए शिरोमान्य है, आने वाले वक्त में भी वे भाजपा के साथ ही जुड़ेंगे, अगर अपक्ष के तौर पर चुनाव लड़ना भी पड़ेगा तो वे अपक्ष के तौर पर चुनाव लड़ने के साथ बाद भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे, वैसी बात बताई गई थी। मधु भाई, आप 35 वर्ष से मतदारों की सेवा करता आया छो ने भगोड़िया शहर में इंडस्ट्रियल लेवल हो के कृषि क्षेत्र हो अनेक विकास ना कार्यो करया छे, तारे भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी टिकट कापी छे, तमे आगामी शू निर्णय लेशो अने भारतीय जनता पार्टी टिकट कापी छे ए बाबते शू कहेशो? पार्लामेंटरी बोर्ड ने भारतीय जनता पार्टी ए जे निर्णय कर्यो ए शिरोमान्य छे, पण बीजो मान्य ए छे के मैं जेना वडे अपक्ष तरीके कोर्पोरेटर बन्यो, જે કાર્યકર્તાના વડે ધારાસભ્ય બન્યો અપક્ષ તરીકે, આજે બે દિવસમાં બધા જ કાર્યકર્તાને વાઘોડિયા તાલુકા, વડોદરા તાલુકા, વડોદરા શહેરના બધા જ કાર્યકર્તાને ભેગા કરીને કાર્યકર્તા કે નિર્ણય લેશે એ નિર્ણયના આધારે હું ચાલવાનો છું।